एक ऐसा गांव जहां कैद में रहते हैं ग्रामीण। झुमरा एक्शन प्लान से भी है वंचित। उग्रवाद प्रभावित है 40 संताली परिवार का गांव जमुआ बेड़ा। 3 नदियों के बीच टापू पर बसा है गांव। झारखंड में एक गांव ऐसा भी है जहां के ग्रामीण कभी कभी प्रकृति की कैद में बंध जाते हैं। यह गांव अति नक्सल प्रभावित है। इन वजहों से न तो गांव का विकास हो पा रहा है और न ही गांव के लोगों को मूलभूत सुविधा ही मिल पा रही है। जी हाँ, गोमिया प्रखंड से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर लाल आबोहवा के साए में बसा जिनगा व अमन पहाड़ की तराई में चुट्टे पंचायत के अति उग्रवाद प्रभावित संथाली बहुल गांव जमुआ बेड़ा की यह कहानी है। 2 नदियों के बीच 3 तरफ से घिरा टापू पर यह गांव बसा है। आलम यह है कि निकट के गांव खर्चा बेड़ा भी आने जाने के लिए ग्रामीणों को नदी में पुल नहीं रहने से बरसात के दिनों में बाढ़ आने पर कई कई दिनों तक कैद हो जाना पड़ता है और उनकी जिंदगी ठप सी पड़ जाती है। गांव से आवागमन पूर्ण रूप से ठप हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जीवन तो किसी प्रकार जी लेते हैं, पर गांव के 3 छोर में नदी है और एक ओर पहाड़ से घिरा है। पुल नहीं होने से आवागमन में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। गर्दन तक नदी में पानी की तेज धार से काफी परेशानी होती है। आजादी के 74वें वर्ष तथा झारखंड राज्य बनने के 22 वर्षों के बाद भी आज भी ग्रामीण आदिम युग में जीने को मजबूर हैं और कई मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव जाने के लिए रास्ता नहीं है, जिसके चलते गांव में विकास की गति 0 है। गोमिया से विजय साहू की रिपोर्ट। दो तीन दिन जो बारिश हुआ था ना, इतना इतना पानी हो गया था। उस समय हम लोग को माने आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा था, और माने जो बीमार होता था ना उसको खटिया में टांग के उसको ले जाने के लिए भी डॉक्टर यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा था। मतलब बहुत समस्या हम लोग का है। उधर भी नदी है, इधर भी नदी है, चारों तरफ नदी है और हम लोग बीच में है। तो मवासी भी या गरु डंगर भी चराने के लिए भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि नदी के पास जाना पड़ता है। उधर भी नदी, इधर भी नदी और उधर पहाड़ है। हम लोग कहीं जाने के लिए माने असुविधा है, माने नहीं जा पाते हैं, कहीं निकल नहीं सकते। चारों तरफ नदी है, कहीं की बारिश से बहुत नदी भर जाता है और उधर भी नदी है। और हर एक वर्ष, हर एक साल इसी तरह जब भी बारिश होता है हम लोग को बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसा समस्या आएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम लोग चाहते हैं इस जगह में पुल का निर्माण हो पाए,